गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जी के 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रोजाना करंट अफेयर का वीडियो हम अपलोड करते हैं और दोस्तों जो भी बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही है और उसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाली एग्जाम के लिहाज से बन सकते हैं तो उसी के बारे में हम यहाँ रोजाना डेली वीडियो अपलोड करते हैं। तो हमारी यूट्यूब चैनल पे प्लीज आइए, हमारी चैनल जी के 2020 को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दोस्तों एक बार ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको क्वालिटी लाजवाब मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। तो दोस्तों ये है आज की हाईलाइट। दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला हाल ही में रखी गई। औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में अखबार के पन्नों पर रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पुनर्वास और सुधार परियोजना जिसे ड्रिप के शॉर्ट फॉर्म से हम जानते हैं, वर्षाधारी परियोजना गूगल ने बनाया डूडल आज ही। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी पर रहे समझौते के बारे में और आज इसी के साथ हम इन मुद्दों पर भी चर्चा करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2019। वन्य जीव के प्रजाति को 30 साल से अधिक समय बाद पहली बार हमको ये मिला है। यूरोपीय संघ के बारे में, भारतीय हॉकी टीम के बारे में, साइकिल चलाने पर $0.22 मिलते हैं ऐसे देश के बारे में, DRDO द्वारा गाइडेड पिनाक का सफल परीक्षण किया गया है हाल ही में उसी के बारे में, और दोस्तों ओप्पो स्मार्टफोन निर्माता कंपनी हाल ही में चर्चा में है उसी के बारे में आज ये सारे टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों आप हमारी YouTube GK 2020 चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और यहां बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, और हमारा ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और आपके जो फ्रेंड्स है उसमें जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट है उसमें ये लिंक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आज के वीडियो की PDF फाइल मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के अमीरी लोगों की सूची में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है? तो दोस्तों फोर्ब्स एक मैगजीन है और उसी के तहत ये दुनिया के रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट जारी की जाती है और हाल ही में ये लिस्ट के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस्वा बेटनकॉर्ट। जी हाँ मित्रों, फ्रांस्वा बेटनकॉर्ट विश्व की सबसे अमीर महिला है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है फ्रांस्वा बेटनकॉर्ट की। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है फ्रांस्वा बेटनकॉर्ट। कैसे ये रिचेस्ट पर्सन बनी उसी के बारे में मैं बताता हूं। तो दोस्तों फ्रांस की कॉस्मेटिक कंपनी, उसी की कंपनी का नाम है लॉरियल, उसी की वारिस फ्रांस्वा बेटनकॉर्ट को 15वां स्थान मिला है फोर्ब्स मैगजीन की सूची में। 114 नंबर पर पुरुष का ही नंबर है और 15 नंबर पर है ये फ्रांस्वा। तो दोस्तों ये पहली महिला है जो लिस्ट में पहले आती है, यानी कि ये व्यक्ति, ये महिला विश्व में सबसे अमीर महिला है। इस सूची में उनसे ऊपर सभी पुरुष है, इसलिए उन्हें दुनिया की सबसे अमीर महिला माना गया है। इनकी संपत्ति $51 अरब पर पहुंच चुकी है। वह लिलियन बेटनकॉर्ट की पुत्री है जिनकी 2017 में मौत होने के बाद तमाम संपत्ति इनकी बेटी, जो एकलौती बेटी है फ्रांस्वा, उसी के नाम कर दी गई। तो दोस्तों 2017 पहले विश्व में सबसे धनिक महिला कौन थी? लिलियन बेटनकॉर्ट। लेकिन माता की मृत्यु की वजह से उसकी बेटी के नाम ये सारी संपत्ति हस्तांतरित की गई, यानी कि वो बन गई विश्व की पहले नंबर की धनिक महिला। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। आप देख रहे हैं इमेज में काशी विश्वनाथ मंदिर, जो हमारे भारत देश में 12 महत्वपूर्ण और ज्योतिर्लिंग है, उसी में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, तो उसी के कॉरिडोर की आधारशिला हाल ही में किसने रखी है? तो दोस्तों, हाल ही में आधारशिला रखी है नरेंद्र मोदी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों, ये देखिए इमेज में, यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और उसी के बगल में खड़े हैं राम नाईक, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है, और दूसरी तरफ खड़े हैं वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों, इन्होंने ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला रखी है, उसी की इमेज आप देख रहे हैं, और ये किस तरह आकार लेने वाला है वो मैं आप मैप के जरिए आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये मैप में ऐसा होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, यहाँ गंगा रिवर पर यहाँ अलग अलग घाट बनाए गए हैं, और यहाँ से ये काशी विश्वनाथ शिव जी का मंदिर है, और यहाँ से ये चार गेटों में बटा हुआ है, एक गेट यहाँ पर है, दूसरा, ये तीसरा, और चार गेटों से ये मंदिर में हम एंट्री कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ बनाया गया ये रास्ता है, तो ये ऐसी तरह आकार लेने वाला है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, तो इसी के बारे में आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में चर्चा में रहा औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? औरंग नेशनल पार्क स्थित है असम में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है औरंग नेशनल पार्क की, तो दोस्तों, जब भी असम की बात आती है ना, तो एक शिंगी गैंडा और उसी का कौन सा अभ्यारण, उसी का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और दोस्तों, यहां बात आती है औरंग राष्ट्रीय उद्यान की, तो दोस्तों, इसी के बारे में मैं बताता हूं। ये देखिए, औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर 78.81 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। और दोस्तों, ये है हमारा इंडिया, और इंडिया में यहाँ पर पूर्वोत्तर हमारा स्टेट है असम, और असम के ये मैप में देखिए तो असम के मैप में ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, और ब्रह्मपुत्र रिवर के उत्तर में जो ये हरा रंग दिख रहा है वो है हमारा औरंगा नेशनल पार्क। और यहाँ पर हाल ही में ये बात आती है, तो आपको मैप के जरिए मैं समझाना चाहता हूं। ये भी देखिए, इसे 2016 में देश का 49वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 49वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था ये नेशनल पार्क को, और अरुणाचल प्रदेश में कामलांग टाइगर रिजर्व हमारा भारत का 50वां नवीनतम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो इसी के बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 11 मार्च 2019 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनसीआरबी, उसी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो दोस्तों, एनसीआरबी का गठन कब किया गया था? इसी की ऑफिशियल लोगो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, और उसी का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, उसी का गठन किया गया था 1986 में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, 1986 में इसी का गठन किया गया था। तो दोस्तों, ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन काफी महत्वपूर्ण होती है। 11 मार्च 2019 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया, तो एनसीआरबी के अनेक अधिकारियों को उनके कार्यों की प्रति लगन एवं समर्पण के लिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ साथ क्रीडा एवं अन्य प्रतिस्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। और ये महत्वपूर्ण बात, एनसीआरबी का गठन 1986 में किया गया था। यह देश में अपराधों के संबंधित क्या काम करता है ये भी आपको याद रखना चाहिए। एनसीआरबी का महत्वपूर्ण कार्य है
देश में अपराधों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, रखरखाव एवं विश्लेषण के लिए ये उत्तरदायी संस्था है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किसने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के तहत 6 राज्यों में 220 से अधिक बड़े बांधों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए $137 मिलियन का अतिरिक्त वित्त पोषण प्रदान किया है। तो दोस्तों, हाल ही में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के तहत हमें पैसे मिले हैं विश्व बैंक से, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और ये जो योजना है ड्रिप, तो इसी के बारे में जानिए। ड्रिप का फुल फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ड्रिप का फुल फॉर्म होता है डी, यानी कि डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ हाल ही में फरवरी में मैंने करंट अफेयर में आपको बताया था कि फरवरी में हमारे देश में इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2019 का आयोजन किया गया था और उसी के तहत हाल ही में चर्चा में है। तो दोस्तों, किस तरह ये विश्व बैंक द्वारा दिए गए लोन के तहत, वित्त पोषण के तहत किस तरह हम यूटिलाइज करेंगे, तो ये बांध कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में स्थित है। 2010 में भी विश्व बैंक ने हमें ड्रिप के तहत वित्त पोषण के लिए $350 मिलियन यानी कि लगभग 2450 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। और दोस्तों, हाल ही में ड्रिप ने शहरी और ग्रामीण समुदायों को 25 मिलियन प्राथमिक लाभार्थियों को अब तक फायदा पहुंचाया है। भारत में 5200 से अधिक बड़े बांध है और 300 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक भी भंडारण क्षमता वाले 400 बांध निर्माणाधीन है। और उसी के तहत विश्व बैंक ने हमें ये वित्त पोषण किया है। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्षाधारी परियोजना को पुनः अपनाने वाली है। तो दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक राज्य की सरकार सूखे की परिस्थिति से निपटने के लिए ये वर्षाधारी परियोजना लागू करने वाली है। और बात आती है वर्षाधारी परियोजना की, भाई ये कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पहले ये देखिए, कर्नाटक में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां की सरकार ने कृत्रिम वर्षा के लिए पूर्व में चलाई गई वर्षाधारी परियोजना पुनः अपनाने वाली है। और यहाँ बात आती है कर्नाटक की। तो दोस्तों, ये इंडिया के मैप में देखिए, ये है कर्नाटक। कर्नाटक के हाल ही के राज्यपाल कौन है, गुजरात से बिलोंग करते हैं वजूभाई वाला, वो हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल है। और कर्नाटक के सीएम कौन है, HD कुमारस्वामी हाल ही में ये कर्नाटक के सीएम है। तो इसी ने इस वर्षाधारी परियोजना अपनाने का निश्चय किया है। और दोस्तों, ये देखिए इमेज में क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को विमानों का उपयोग कर आसमान में हवा के विपरीत दिशा में छिड़का जाता है। आप जो इमेज में देख रहे हैं वो प्लेन है और प्लेन में ये दो लेक ये आप देख रहे हैं वो है सिल्वर आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये लेकर ये प्लेन आकाश में ले जाया जाता है और वहां से छिड़काव बादलों पर किया जाता है और वहां से कृत्रिम बारिश होती है। तो दोस्तों, किस तरह आकार लेती है यह घटना, ये भी देखिए। कृत्रिम वर्षा की इस प्रक्रिया में बादल के छोटे कण हवा से नमी सोखते हैं और संघनन से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इससे जल की बूंदें भारी हो जाती है और वर्षा होने लगती है। आप इमेज में देखिए, ये है बादल। बादल में यहाँ पर ये सूखे कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड यहाँ का छिड़काव किया जाता है और उसी तरह यहाँ
बारिश होने शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये एक आर्टिफिशियल रेन है और उसी का मन बना लिया है एक कर्नाटक सरकार ने। आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में 12 मार्च को गूगल ने डूडल बनाकर निम्न में से किसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई। तो दोस्तों हाल ही में जो आज आप गूगल का पेज ओपन करोगे तो इस तरह आपको डूडल देखने को मिलेगा। ये डूडल 30वीं वर्षगांठ है किसकी, www की, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब और उसी की 30वीं वर्षगांठ आज है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता चर्चा में रहा, यह समझौता किस साल में हुआ था। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है सिंधु नदी का वो हुआ है 1960 में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और सिंधु नदी का समझौता जब हुआ था तब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे याकूब खान, और इन दोनों के बीच ये सिंधु नदी का जल समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थी में हुआ है। और यहाँ बात आती है सिंधु नदी समझौते की। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, सिंधु नदी के जल के बंटवारे के सवाल पर भारत पाकिस्तान और विश्व बैंक के बीच 1960 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इसी के तहत दोनों देशों में सिंधु आयोग की स्थापना हुई है। और यहाँ मैं आपको सिंधु नदी का जल तंत्र समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थान है यहाँ पे हिमालय में, और यहाँ से ये गिलगिट से आगे बढ़ती हुई ये सिंधु नदी इस तरह अरब सागर में मिलती है। तो ये है सिंधु नदी, और सिंधु नदी में ये जो समझौता हुआ है उसी में भारत को तीन नदियों के जल का उपयोग करने का अधिकार मिला है। वो तीन नदियां कौन कौन सी है, तो दोस्तों वो है रावी, बियास और ए सतलुज। तो दोस्तों भारत को ये सिंधु नदी के समझौते के तहत रावी, बियास और सतलुज ये तीन नदियों के जल के उपयोग करने का अधिकार है। और झेलम, चिनाब और ये सिंधु, ये तीन नदियों का पानी के जल का उपयोग का अधिकार मिला है पाकिस्तान को, ये आपको याद रखना है, हाल ही में करंट अफेयर में है। नौवां क्वेश्चन, भारत के किस मंत्रालय ने बर्लिन में 6-10 मार्च तक आयोजित हुए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2019 में टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों हाल ही में ये अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2019 जिसका आयोजन हुआ है बर्लिन में और उसी में भारत ने जीता है, पर्यटन मंत्रालय ने इसी में गोल्ड पुरस्कार जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और आप इमेज में भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए, पर्यटन मंत्रालय की बात आती है, अतुल्य भारत अभियान 2.0 के तहत निर्मित निम्नलिखित 5 प्रचार फिल्मों टेलीविजन विज्ञापनों को पुरस्कार प्रदान प्राप्त हुए हैं, जिसमें रेस ट्रैक के योगी, मिस्टर एंड मिसेस जॉन्स का पुनर्जन्म, पेरिस में अभयारण्य, मैनहट्टन की महारानी, मसाला मास्टर शेफ, ये 5 टेलीविजन विज्ञापनों और प्रचार फिल्मों है उसी को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म मल्टीमीडिया अवार्ड्स प्रति वर्ष पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। यह देशों, शहरों, क्षेत्रों और होटलों के लिए एक रचनात्मक मल्टीमीडिया अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो आप इमेज में देख सकते हैं। दसवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शोधकर्ताओं ने किस वन्य जीव की प्रजाति को 30 साल से अधिक समय के बाद पहली बार दक्षिण पूर्व ताइवान में देखने का दावा किया है। तो दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि 30 साल
30 साल में ये वन्य प्रजाति कभी नहीं देखी गई, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने इसे हाल ही में दक्षिण पूर्व ताइवान में देखा है। और वो प्रजाति कौन सी है? तेंदुए। तेंदुए को हाल ही में शोधकर्ताओं ने पाया है। तो दोस्तों ये देखिए, यहां पहले मैं आपसे स्पष्टता कर देता हूं कि IUCN इसी के तहत कुछ लुप्त प्राय प्राणियों की सूची तैयार की जाती है। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म होता है। तेंदुए की इस प्रजाति का नाम फॉर्मोसन क्लाउडेड लेपर्ड है। इसे आधिकारिक तौर पर 2013 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, क्योंकि यह तेंदुआ 1983 के बाद से कभी नहीं देखा गया था। और प्राणी विज्ञानियों द्वारा किए गए 13 साल के लंबे अध्ययन में इस प्रजाति का एक भी तेंदुआ देखने को नहीं मिला। हाल ही में दक्षिण पूर्व ताइवान में के डेरन ताइतुंग शहर में स्थानीय लोगों ने इस दुर्लभ प्रजाति के तेंदुए को देखने का दावा किया है। केवल ताइवान में पाई जाने वाली इस तेंदुए की इस प्रजाति को IUCN ने हाल ही में विलुप्त प्राय की कैटेगरी में रख दिया था। तो दोस्तों हाल ही में एक करंट अफेयर में है, आपको याद रखना चाहिए। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ब्रेक्सिट के कारण यूरोपीय संघ चर्चा में है, इस यूरोपीय संघ में हाल ही में कितने सदस्य देश है? तो दोस्तों यूरोपियन संघ में हाल ही में 28 सदस्य देश है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है यूरोपियन संघ की, तो ये यूरोपियन संघ है क्या? तो ये मैं आपको समझाता हूं। यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन मुख्यतः यूरोप में स्थित 28 देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है, जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू हो जाती है। इसका अभ्युदय 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। ये भी आपको याद रखना चाहिए यूरोपियन यूनियन के बारे में। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एशियाई हॉकी महासंघ ने भारतीय हॉकी टीम के किस खिलाड़ी को 2018 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है? तो दोस्तों एशियाई हॉकी महासंघ ने 2018 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है मनप्रीत सिंह को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है मनप्रीत सिंह की, तो उसने कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए हैं वो मैं आपको बताता हूं। वर्ष 2017 में एसवी सुनील को महासंघ ने साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना था। मनप्रीत सिंह ने पिछले साल दमदार प्रदर्शन किया था। उसकी कप्तानी में भारतीय टीम ओमान के मस्कट में हुए हीरो चैंपियन ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं हारी और उसे पाकिस्तान के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया। और दूसरी बात, उन्होंने ब्रेदा में हुए फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भी बड़ा योगदान दिया था। टीम ने इस टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। पिछले साल हुए विश्व कप में भी मनप्रीत सिंह ने टीम की कप्तानी की थी। तो उन्हीं की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए 2018 का उसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश ने ऑफिस जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने वालों को प्रति किलोमीटर साइकिल चलाने पर 0.22 डॉलर मिलेंगे? तो दोस्तों हाल ही में एक देश ऐसा है, उसने ऐसा किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है और वो डिस्टेंस 1 किलोमीटर का काट लेता है, तो उसे 0.22 डॉलर अपनी जेब में मिलेंगे। तो दोस्तों 0.22 यानी कि हमारे इंडियन रुपये के तहत 16 रुपये मिलेंगे। तो ये बात कब सामने आई? तो दोस्तों वहाँ की सरकार ने एनवायरनमेंट क्लीन हो और बहुत ज़्यादा साइकिल का यूजेज हो, उसी के तहत ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अपने निजी काम के लिए बाहर साइकिल का यूज करने पर व्यक्ति को ये डॉलर नहीं मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसा देश का नाम है नीदरलैंड।
यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों आप देख रहे हैं, नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां अपनी आबादी से भी ज्यादा साइकिलें है, तो उसी के बारे में आपको बताता हूं। नीदरलैंड दुनिया के उन चंद देशों में से है जहां लोग ऑफिस जाने के लिए कार से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक नीदरलैंड में लोगों से ज्यादा तो साइकिलें हैं। सरकार भी नीदरलैंड में साइकिल को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाती है, जैसे साइकिल चलाने वालों के लिए वर्ल्ड क्लास रास्ते होना चाहिए ताकि वह आसानी से अपनी साइकिल पार्क भी कर सके और सुरक्षित चल सके, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रक्षा अनुसंधान एवं सुरक्षा संगठन यानी कि DRDO ने किस स्थान से गाइडेड पिनाक नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों हाल ही में DRDO ने पिनाक का सफल परीक्षण किया है पोखरण रेंज से, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो है ना, ये पिनाक है और उसी का सफल परीक्षण किया है ये पोखरण रेंज से, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है ये पिनाक की, तो दोस्तों ये देखिए, इस शस्त्र प्रणाली में उत्कृष्ट गाइडेंस किट मौजूद है जिसमें उन्नत नौवहन और नियंत्रण प्रणाली शामिल है। दोनों अभियानों में शस्त्र प्रणालियों ने पूरी सटीकता के साथ लक्ष्य का भेदन किया। टेलीमेट्री प्रणालियों ने उड़ान की निगरानी की, सभी मिशन लक्ष्य को पूरा किया, यानी कि ये सटीक निशाने लगाने वाली हमारी पिनाक है, तो इसी के बारे में हाल ही में कल ही परीक्षण हुआ है, आपको याद रखना है इसका नाम। और दोस्तों 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओप्पो किस देश की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है जो 5G समाधानों और भारत केंद्रित मोबाइल फोन समाधानों पर हाल ही में काम कर रही है? तो दोस्तों ओप्पो है ना, वो चीन देश की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है और वो हाल ही में हमारे भारत देश में 5G के लिए समाधानों और भारत केंद्रित मोबाइल के समाधानों पर काम कर रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये देखिए, यहां जब बात आती है ओप्पो मोबाइल की, तो दोस्तों ओप्पो मोबाइल इंडिया के प्रमुख कौन है? तो ये नाम याद रखिएगा, तस्लीम आरिफ हमारे भारत देश में ओप्पो के प्रमुख है और एवं उपाध्यक्ष भी है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन क्या था कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किसे अपना नया सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हाल ही में इस व्यक्ति को, और ये व्यक्ति है पद्मा लक्ष्मी, जो हमारे भारतीय अमेरिकी नागरिक है पद्मा लक्ष्मी, उसी को ही हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपना सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है, सभी को हार्दिक बधाई। और दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन आपके लिए और ये स्क्रीन पर रहा, हाल ही में केरल के इडुक्की जिले के परंपरागत और हस्तनिर्मित उत्पाद मरयूर को GI टैग मिला है, यह मरयूर है क्या? इसी का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से एक सही आंसर चुनकर आपको दोस्तों इस तरह यहां कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगता है, तो आपके जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट है उसी में शेयर कीजिए। और दोस्तों जाते वक्त एक लाइक तो बनता है। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।